हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चर। फाइनली यूपी बोर्ड एग्जाम ने हिंदी का मॉडल पेपर जारी कर दिया है, जैसा 2023 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर आने वाला है। ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखो, यह है मॉडल, जो आप लोगों का मॉडल पेपर प्रश्न पत्र है, सत्र 2022-23 यानी कि 2023 का है, कक्षा 10 हिंदी का, ठीक है। 70 नंबर का पेपर होगा और आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का, ठीक है। अब यहां देखो, आपके पास 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है, ठीक है। फिर यहां देखो, आपके कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। निर्देश देखो, प्रारंभ के 15 मिनट प्रशासकीय को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और यहां दूसरा देखो क्या है कि प्रश्न पत्र में 2 खंड आ एंड वा है, ठीक है। और जो आपको ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का आएगा, जैसा कि आपको पता है 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो वो जो प्रश्न पत्र के खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही उत्तर का चयन करके आपको OMR शीट पर नीले अथवा या फिर काले पेन का आप लोगों को यूज करना है, गोला बना देना, ठीक है। गोला पूर्ण रूप से काला करें, ठीक है। तो ये सामान्य निर्देश जो दिया हुआ है उसको पढ़ लेना। फिर यहां आपका खंड का स्टार्ट हो जाता है बहुविकल्पीय प्रश्नों से, ठीक है। फिर आप लोगों का खंड आ स्टार्ट हो जाता है बहुविकल्पीय प्रश्नों से, ठीक है। 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा। जैसे पहला प्रश्न देखो कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। आपके पास ऑप्शन फर्स्ट है भारतेंद्र युग, सेकंड है द्विवेदी युग, थर्ड है शुक्ल युग एंड फोर्थ है शुक्लोत्तर युग, ठीक है। शुक्लोत्तर होना चाहिए, शुक्लांतर लिख दिया, तो फिर इसका राइट आंसर होगा शुक्ल युग, ठीक है। ये एक शुक्ल युग के प्रमुख लेखक हैं, इतिहासकार हैं, ठीक है। कौन? बाबू गुलाब राय। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। सारे क्वेश्चन एक एक मार्क्स के हैं। चिंतामणि किस विधा की रचना है? ऑप्शन और फर्स्ट है निबंध विधा, सेकंड है नाटक, थर्ड है कविता एंड फोर है कहानी। तो जो चिंतामणि है वो निबंध विधा पर आधारित है। किस विधा पर? निबंध विधा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखो, गबन किसकी रचना है। जो गबन है वो किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मुंशी प्रेमचंद, सेकंड है आपका जयशंकर प्रसाद, थर्ड है निराला एंड फोर है हरिकृष्ण प्रेमी। तो जो गबन है वो प्रेमचंद्र जी की रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है गबन, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है शुक्ल युग की समय अवधि है। जो शुक्ल युग है उसकी समय अवधि कितना है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1936 से 1943, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1919 से 1938, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है 1900 से 1918, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जो शुक्ल युग है इसको मैंने पढ़ा भी रखा है, शुक्ल युग की जो समय सीमा है वो हमारा 1919 से 1938 तक है, ठीक है। 1919 से 1938, ठीक है। 19 का 2 गुना कर लो, 19 2 38, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है नीड का निर्माण फिर, ठीक है। नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जीवनी विधा, सेकंड है आत्मकथा, थर्ड है आपका भेतावर्त या फिर साक्षात्कार, ठीक है, एंड फोर है रेखा चित्र। तो नीड का निर्माण आपसे पूछ रहा है, नीड का निर्माण जो है वो आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की है? आत्मकथा विधा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है द्विवेदी युग, सेकंड है भारतेंद्र युग, थर्ड है प्रगतवादी युग, फोर है छायावादी युग, ठीक है। तो जो प्रिय प्रवास है वो हमारा द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मधुशाला जो है किसकी रचना है? मधुशाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर, सेकंड है हरिओद, थर्ड है हरिवंश राय बच्चन, फोर है सुमित्रा नंदन पंत। तो जो मधुशाला है, मधुशाला जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो देखो, भारत भारती किसकी रचना है? जो भारत भारती है वो किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सिया राम शरण गुप्त, सेकंड है मैथिली शरण गुप्त, थर्ड है जयशंकर प्रसाद, फोर है महादेवी वर्मा। तो भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती जो है वो किसकी रचना है? वो है मैथिली शरण गुप्त जी की। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। सारा क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेना, याद कर लेना, ठीक है, पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आधुनिक काल का कब से कब तक समय है, ठीक है, सन 1943 से अब तक, ये सही है, सन 1943 से अब तक, ठीक है। 1950 के बाद माना जाता था लेकिन 1943 से अब तक आप लोग लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जो मतीराम है, मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम, ठीक है, मतीराम किस युग के कवि हैं? का फर्स्ट नंबर ऑप्शन है आधुनिक युग, सेकंड है हमारा आदिकाल, थर्ड है हमारा भक्तिकाल, फोर है रीतिकाल। तो
तो मतिराम जो है वो किस युग के कवि हैं? मतिराम जी रीति काल के कवि हैं, किस युग के? रीति काल के, ठीक है, जिसमें बिहारी लाल जी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, हास्य रस का अस्थायी भाव है, जो हास्य रस है उसका अस्थायी भाव क्या है? शोक है या फिर रति है या हास है या फिर निर्वेद है? तो हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। क्या होता है? हास, हंसना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो सोहत ओढ़े पीठ पट, ठीक है, सोहत ओढ़े पीठ पट एंड श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आपत्ति प्रयोग प्रभात, ये कौन सा, इसमें उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? देखो, जिसमें मन मानो जन जानो ये सब आ जाए ना, मनहु जनहु, ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इतना याद रखना, ठीक है। एक ट्रिक है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने पढ़ा रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला में कितने चरण होते हैं? चरण की बात की जा रही, पंक्ति नहीं, चरण। तो चरण आपके 4 होते हैं, रोला में 4 चरण होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि आकर्षण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण जो है आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वी, सेकंड है मान, थर्ड है अक एंड फोर है आ। तो आकर्षण में आ का प्रयोग किया गया है, आकर्षण अलग है आ, ठीक है, उपसर्ग जो आगे जोड़ा जाता है, प्रत्यय पीछे जोड़ा जाता है। तो प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के कितने भेद हैं? ये क्वेश्चन बुक में मिलेगा, देख लेना, लेकिन 2 हैं, वैसे मैंने देखा नहीं है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 है, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में आपका है बहुवीरीय समास, ठीक है, बहुवीरीय समास। देखो, बहुवीरीय समास सिलेबस से हटा दिया गया है, तो ये क्वेश्चन मुश्किल है, बोर्ड एग्जाम में आएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अश्रु का तत्सम रूप है, जो अश्रु है, अश्रु का तत्सम रूप, सॉरी आंसू का अश्रु होता है, सॉरी आंसू का तत्सम रूप पूछा है, तो अश्रु होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो यणि संधि है, यणि संधि का फार्मूला यानी कि सूत्र क्या होता है? यणि संधि, अरे ये तो आपको याद ही होगा, इको यणाट चीज, ठीक है, यही होगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, देखो ऑब्जेक्टिव है सारे, 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है। फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पष्टी विभक्ति एकवचन, सेकंड है सप्तमी विभक्ति द्विवचन, थर्ड है पष्टी विभक्ति बहुवचन, फोर है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो ये आपका फलस्य पूछा है ना, तो फलस्य हमारा एकवचन है, एंड थोड़ा याद कर लेना पष्टी विभक्ति है, पष्टी विभक्ति एकवचन, ठीक है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, आपठट का वचन एवं आपका पुरुष है, तो आपठट है ना, तो ये हमारा है प्रथम पुरुष एक वचन, कौन सा है? प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। तो ये हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, हिंदी में हर एक सब्जेक्ट में आएगा, तो हिंदी में ये आप लोग देख लो, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा स्टार्ट क्या होता है? अब हमारा स्टार्ट होता है 50 मार्क्स का जो लिखने वाला प्रश्न है, वर्णात्मक खंड बा, ठीक है। देखो ध्यान से, ये 6 मार्क्स का आएगा आपका गद्यांश, जो कि मैंने पढ़ा रखा है बहुत सारा। लिखा हुआ है, यह कोई बात नहीं कि एक आपका स्वभाव और रुचि के लोगों को ही मित्रता हो सकती है, तो ये मित्रता चैप्टर से लिया गया। देखो मित्रता आ गया, तो मित्रता चैप्टर से लिया गया है, तो इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, एंड यहाँ आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे। देखो गद्यांश का संदर्भ लिखो, किस चैप्टर से लिया गया, मित्रता चैप्टर, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रेखांकित अंश की व्याख्या करो, जो रेखांकित अंश है देखो, यहाँ ये यहां से लेकर यहां तक रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन दिया रहेगा कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, ये 2-2 मार्क्स का सारा क्वेश्चन है, 6 नंबर हो जाएगा। अथवा अगर आपको वो नहीं आता, तो हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर नहीं बचा रह जाएगा जो इस ब्राह्मण को 2 मुट्ठी भीख दे सके, या असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ममता चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ये सब बहुत आसान है, 6 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करो, याद करो, मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। आपका कुछ आपका प्रश्न नंबर 2 है, जो पद्यांश आएगा, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न आएंगे। चरण कमल बंधो हरिराय जाको कृपा पंग गुड़ लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले, रंग चले से छत्र दराई, सूरदास स्वामी गणनायम, बार बार बंद होती। भाई कौन सा है? सूरदास जी ने लिखा है पद, ठीक है, पद है। तो यार आपको गद्यांश का संदर्भ तो बहुत आसानी से लिख सकते हो ना, चैप्टर का नाम पता चला, रेखांकित अंश की पूरी व्याख्या कर देना, यहां से यहां तक रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना, और आपको इसमें कौन सा अलंकार उपयुक्त में कौन सा अलंकार ये बता देना, 6 नंबर तुरंत मिल जाए। अगर वो नहीं याद है तो ये भी तो बहुत आसान है, यहाँ सुनि सुंदर बैन सुधारक, सानी सयानी है जानकी जानी, वली तिरछे
करी नैन समुझाए कछु मुस्काए चली तुलसी ते अवसर ते हिरवे अवलोकत लोचन लाहु अली अनुराग तराग में भानु उदय बिगसी मन मंजुल कंज कली। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों। इसमें भी लेखक का नाम सॉरी कवि का नाम लिखा है तुलसी, तो तुलसीदास जी का है ना, तो फिर आपको समझ में आ गया। अगर आपको एक करना है केवल, इसमें आप देख लो तीन क्वेश्चन रहेगा, छह नंबर का रहेगा, जो आपकी इच्छा है उसी करो। ठीक है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद, इसको मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, 5 मार्क्स का आएगा, दो आपके रहेंगे। देखो दो रहेंगे, अब दोनों में से कोई एक करना। देखो, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ एंड हिंदी में अनुवाद। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाम केंद्रम स्थली अस्ति, एत एवं संस्कृत वर्णायाम संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रतिष्ठितम एंड मुगल युवराजा दारा सिकोह एंड आगत्यम भारतीय दर्शन शास्त्रम अध्ययनम आक्रोत। ठीक है, तो इसको कर देना, 5 मार्क्स मिल जाएगा। फिर अथवा आप इसको करो, मानव जीवन संस्कृत संस्कृति अस्माकम पूर्वज मानव जीवन संस्कृत महंतम एन प्रयत्नम आक्रुवन। ठीक है, इसको आप कर देना, कोई एक करना है दोनों में से, अच्छे से आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो अस्माकम जीवन से संस्कृत यान आचारम विचारम चा एंड आदर्शम एत तत्व सर्वम अस्माकम संस्कृतम। ठीक है, संस्कृत, देखो संस्कृत वैसे बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं है, संस्कृत सब्जेक्ट। ठीक है, वैसे हिंदी में जो संस्कृत होते हैं उसको सभी को पढ़ना पड़ेगा। देखो, दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ और पंसंग व्याख्या, सब कुछ अच्छे से करना, 5 मार्क्स का। देखो, गद्यांश अलग कर दिया गया, पद्यांश अलग कर दिया गया है। मानव हित्या प्रियो भवंती क्रोध हित्वा ना सोचंती काम हित्वाम एंड भवंती लोभम हित्वा सुखी भवेति। ये देखो बहुत आसान है, और ये तो हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, सर्वे भवंत सुखना सर्वे संत निरामया सर्वे बद्धान पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभागा भवेति। तो ये 5 मार्क्स का है, कोई एक करना है, बहुत आसान है, कोई हिंदी का पेपर बहुत आसान होता है, थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान दो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में खंड काव्य पूछ लिया गया। खंड काव्य में आपको बता देता हूँ, हर एक जिला का अलग अलग होता है। हमारी तरफ ये ज्योति जवाहर आता है, तो ज्योति जवाहर बच्चों याद कर लो, और जो हाँ जो भी आते हैं, मुक्तिदूत आता है तो मुक्तिदूत याद कर लो। ठीक है, मुक्तिदूत आता है तो मुक्तिदूत याद कर लो, या फिर आप मेवाड़ के शनि सुभाष जय सुभाष खंड काव्य कर्ण कर्णवीर एंड तुमुल कोई भी याद कर लो। ठीक है, अब अगला आपका आएगा, देखो यहाँ आपका जीवन परिचय, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए इनकी रचनाएं भी लिखना है, 5 मार्क्स का है। देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखो ये दोनों मैंने बता रखा है कि इंपॉर्टेंट है, तो देखो दोनों आ गया है बोर्ड एग्जाम के पेपर में। ठीक है, जो मॉडल पेपर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ 5 मार्क्स का, देखो गोस्वामी तुलसीदास सुमित्रानंद सूरदास इन तीनों का मैंने बता रखा है कि याद कर लो, कवि का है और उनकी रचनाएं हैं, तो क्या दिक्कत है, सारा जीवन परिचय हो जाएगा। 5 मार्क्स का एक, 5 मार्क्स का है, यानी कि 10 मार्क्स आपका कंप्लीट हो गया समझ लो, ऐसे ही आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है, कोई एक श्लोक आप लिख दो, बढ़िया से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको 2 मार्क्स तुरंत मिल जाएगा, कोई एक श्लोक लिखना है, बहुत ज़्यादा आसान है। श्लोक आप 2-3 याद करो, 3 से 4 श्लोक, क्योंकि 2 श्लोक तो आपका रहेगा पद्यांश में, तो उसको छोड़कर आपको लिखना होगा। मान लो आपने जो याद किया है उसी को दे दे पद्यांश में, तो क्या करोगे, तो इसलिए याद रखना। ठीक है, 8 नंबर है, निम्न में से किन्हीं 2 को प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 का मतलब आपको 2 का देना है, 4 नंबर मतलब 1 का 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखो लिखा हुआ है, भारतीय संस्कृतम मूलम किम अस्ति, पुरु राजा काश्ता चंद्रशेखर काज वीर वीर केन पूजते वीर वीरेण पूजते, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है, तो ये आपको मिल जाएगा नंबर। अब देखो सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो आ गया है, देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 9 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, और 9 नंबर आप लोग कैसे मिलेगा, देखो लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसी एक के विषय पर निबंध लिखना है, कोई एक पर, और देखो काफी हार्ड भी आया हुआ है, पर्यावरण संरक्षण के उपाय। देखो अपने माइंड से इन सब का लिख सकते हो, ठीक है, जनसंख्या के लाभ हान ये मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण के संरक्षण के उपाय ये भी मैंने आपको बताया है, प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण, तो उसको संरक्षण मतलब उसको सुरक्षित करना, तो कैसे सुरक्षित कर सकते हो, जैसे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाओ, बस हो गया, और आतंकवाद कारण तथा निवारण और नारी सशक्तिकरण। ठीक है, तो ये 9 नंबर का है, 9 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है हिंदी का पूरा मॉडल पेपर, बस इतना ही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, कोई नहीं है, क्वेश्चंस बहुत आसान आसान आएंगे। ठीक है, पहली बार आपका पेपर पैटर्न चेंज किया गया है, तो क्वेश्चन आसान थोड़ा सा दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये है पूरा हिंदी का मॉडल पेपर, जैसा बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का पेपर आने वाला है 2023 बोर्ड एग्जाम में, तो ये आप लोग बिल्कुल कंप्लीट कर लो, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पेपर है।
तो ये वीडियो आई होप कि बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और ये पूरा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।